हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंदु हेल्दी किचन। आज हम बनाएंगे राजमा। चलो शुरू करते हैं। हमने एक बाउल चित्री राजमा ले ली है। अब हम इसको भिगो देंगे। इसको रात भर भिगो के रखेंगे। रात भर के लिए हम इसे धो के साफ पानी में भिगो देंगे। ये हमारे भीगे हुए राजमा हैं। अब हम इनको उबलने के लिए रखेंगे। कुकर लेंगे। कुकर में ये मैंने धो के इसमें पानी डाला था। ये हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें हमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है। ये हम डालेंगे तेज पत्ता, ये मोटी इलायची, ये दो लौंग, ये काली मिर्च चार दाने, और ये हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, और इसमें हल्का सा थोड़ा सा रिफाइंड भी डाल देंगे। तेल डालो, रिफाइंड डालो, बस। अब हम इसको रख देंगे उबलने। ये हमने उबलने रख दिया। 5 सीटी बजेगी, उसके बाद 10-15 मिनट सिम सेक पे रखना है। अभी तो हमने तेज सेक पे रखना है। 5 सीटी बजानी है। ये हमारी 5 सीटी हो गई हैं। अब हम गैस सिम पे कर देंगे। ये 7-10 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस बंद करेंगे। राजमा को तड़का लगाएंगे। ये हमने डाला ऑयल, ये जीरा, ये हींग, ये हमारा मसाला है, ये प्याज कद्दूकस किए हुए हैं, ये लहसुन, ये अदरक, और ये हमने टमाटर और हरी मिर्ची पीस के रखी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन। अब हम इसको भून लेंगे। मेरा लहसुन थोड़ा ब्राउन होने वाला है, भुनने वाला है। अब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज अभी थोड़ा रह रहा है। अब हम डाल देंगे अदरक भी। अब इसको मिला के अच्छे से भून लेंगे। मेरा मसाला भून रहा है। इतनी देर हम कुकर खोल लेते हैं। ये देखो हमारे राजमा हो गए हैं। ये अब राजमा में से हम खड़े से मसाले निकाल देंगे। अगर रखना चाहते हो तो कहीं लोग रख भी लेते हैं, लेकिन बच्चे फिर मुंह में आ जाए तो चिड़चिड़ करते हैं, इसीलिए हम है ना इसमें से मसाले निकाल देते हैं। जैसे कड़ी पत्ता हो गया, लौंग हो गई, ऐसे सारे मसाले निकाल देते हैं। ये हमारे प्याज भून गए हैं, मसाला मतलब भून गया है। इसमें प्याज अदरक लहसुन है। अब हम गैस इसमें थोड़ा कम कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक उबलते हुए में हमने डाल दिया था, और नमक अब हिसाब से डालना है। ये थोड़ा नमक और डाल दिया। अब हम इसको भून लेंगे मसाले को थोड़ा। ये मैंने टमाटर और हरी मिर्ची पीसी थी मिक्सी में। ये अब हम टमाटर भून लेंगे। हमें तब तक भूनना है जब तक हमारा टमाटर घी ना छोड़ने लग जाए। ये हमारा मसाला भुन गया। ये मसाला हमारा घी छोड़ रहा है, तो हम इसमें डालेंगे सिर्फ राजमा।
अब हम इसको मसाले में भून लेंगे। पहले ये मेरे राजमा भून गए हैं, अब हम इसे कुकर में पलट देंगे। यह है, अब हम इसमें राजमा का बचा हुआ पानी डाल देंगे। अगर आपको राजमा गाढ़े रखने हैं तब तो ऐसे ही ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा पतला करने के लिए चावल के साथ तो थोड़ा सा हम इसमें ऊपर से पानी डाल देंगे। अब हम इसमें 2 सीटी लगा के गैस बंद कर देंगे। ये हो गए राजमा, अब हम इसमें डालेंगे हरा। ये देखो ये हो गए राजमा, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे।